गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज मैं आपको होम टैब के कुछ ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि जितना बता पाऊंगा फंड ग्रुप या अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में। ये दोनों ग्रुप्स बहुत क्या क्या प्रयोग होता है। तो सबसे पहले मैं एक मैटर टाइप किए लेता हूँ। जैसे हमने एक मैटर ये टाइप किया है, ये मैटर हमने टाइप कर लिया है। चलिए अब इसमें हम इसका प्रयोग बताएंगे, इसका प्रयोग क्या होता है, कुछ जल्दी से बता रहे हैं। चलिए फंड ग्रुप, जो होम टैब का जो फंड ग्रुप है दोस्तों, तो फंड से संबंधित सभी समस्याओं का हल किया जाता है। आपको हमने ऑफिस बर्ड में ही बताया था, सेम है। जैसे सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से फंड जो भी करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। जैसे हमने एरिया ब्लैक कर दिया, यहाँ से हम साइज को बड़ा छोटा जो भी करना है वो कर सकते हैं। ग्रो फंड से हम ग्रो फंड से ही बड़ी साइज कर सकते हैं, श्रिंक फंड से छोटी साइज कर सकते हैं। यहाँ से हम मोटा अक्षर कर सकते हैं, यहीं से हम हटा सकते हैं, यहाँ से इटैलिक यानी तिरछे अक्षर कर सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन लगा सकते हैं। जैसे भी हमें लगाना है उस तरीके से हम लगा सकते हैं लाइन को। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ हम एक हेडिंग दिए देते हैं। जैसे हमने ड्राइव फ्यूचर लिख दिया है, अब जैसे हमें जो हेडिंग है इसका हमें ये भाषा नहीं करना है, हमें इसका नॉर्मल ही रहने देना है। लेकिन इसको बोल्ड करना है, हमें बोल्ड कर दिया। लेकिन ये जो ऊपर हमने जो हेडिंग लिख दिया है इसका हमें मोटा अक्षर और साइज बड़ा करना है और अंडरलाइन करना है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मतलब किस तरीके से हमने इसका प्रयोग किया। अब देखो अभी हम इसका क्या करेंगे, प्रीव्यू चेक करेंगे। इसका प्रिंट पे जाके और प्रीव्यू पे क्लिक किया तो हमारे सामने जो पेज दिख रहा है, तो इसमें जो कॉलम्स की जो लाइनेस हैं और रो की लाइन है वो हमारे इसमें नहीं दिखाई दे रही हैं। ध्यान रखें कि ये केवल शो होती हैं, हमारी हेल्पिंग करती हैं लेकिन प्रिंट में नहीं निकलती। हम क्या करते हैं, इनको सेलेक्ट करके अगर इसमें हम बॉर्डर डालना चाहें, जैसे बॉर्डर ये है, बॉर्डर पर अगर यहाँ लिखा बॉटम बॉर्डर, नीचे लाइन आ रही है, इस पर हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ तो दिखाई नहीं दे रही। हम इस पर क्लिक करेंगे और प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे, चेक करके देखें, देखो नीचे बॉटम में बॉर्डर डल चुका है। इसी तरह से हम इसमें टॉप में डाल सकते हैं और इसमें लेफ्ट, इसमें राइट में, और यहाँ से हम पूरे बॉर्डर हटा सकते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ लेफ्ट में राइट में डाल दिया, अब दोबारा से प्रीव्यू, एक काम करते हैं, यहाँ प्रीव्यू प्रिंट प्रीव्यू बार बार देखना है, यहाँ हम ऑप्शन लिए लेते हैं प्रिंट प्रीव्यू का। हम यहाँ क्लिक किया, देखो बॉर्डर चारों तरफ डल गया है। चलिए अगर हम इसमें फिर से जाते हैं, इसमें कोई बॉर्डर नहीं बना है ना, इसमें लिखा है नो बॉर्डर, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अगर हमें बॉर्डर हटाना है तो यहाँ से हम हटा सकते हैं बॉर्डर। अब फिर से हम अगर इसी पे जाते हैं, हमें सभी जगह यानी जो अंदर जो कॉलम्स की जो सेल्स जितनी दिख रही हैं सभी में डालना है, तो एक बार में हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके अपना टेबल आसानी से बना सकते हैं। देखो आप देखें इसको अच्छी तरह से, एक सेकंड में आपके पास पूरा बॉर्डर डल चुका है, यानी कि जो हम बॉर्डर डालते हैं वो लाइनें निकलती हैं, बाकी ये लाइनें आपकी हेल्प करती हैं। अब दोस्तों जैसे ये लिखा है, जैसे ये है फिल कलर, फिल कलर का प्रयोग होता है, ऐसे हमें सीरियल नंबर में यहाँ तक एक फिल कलर डालना है, अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ फिल कलर, हमने कोई भी फिल कलर ए भर दिया, जैसे हमने ब्लैक भर दिया या हमने येलो कर दिया या ब्लू कर दिया। अब दोस्तों यहाँ आपका ये दिख नहीं रहा है मैटर, तो इसका मतलब ये फॉन्ट कलर भी हम इसको हमने येलो कर दिया। देखो दोस्तों हो गया ना। अब दोस्तों इस पर आते हैं अलाइनमेंट ग्रुप पर। अलाइनमेंट ग्रुप में जैसे हम इसको अभी जैसे किसी भी कॉलम्स को हम छोटा बड़ा कर लेंगे, जैसे हमने ये कर लिया है, या यहाँ से हम छोटा बड़ा और भी कर लेंगे, जैसे हमने ये कर लिया है। इस पे जैसे हम जाते हैं तो इसका उपयोग होता है टॉप यानी ऊपर करना है, इसका बीच में से हल्के इसका नीचे, और इसका लेफ्ट साइड करना है, इसका सेंटर में करना है, इसका राइट साइड करना है, लेफ्ट राइट सेंटर। दोस्तों हमें दोनों साइड से बीचों बीच करना है, तो यहाँ सेंटर पर और यहाँ मिडिल पर क्लिक करना है। ऐसे ही इसको हम एक काम करें, दोनों सेलेक्ट करके एक बार में किए दे रहे हैं। देखो आप देख रहे होंगे अपना टेबल कितना अच्छा लगने लगा। आप अच्छा इसके बाद और नेक्स्ट ऑप्शन है ए, ये है डिस्क्रीज इंडेंट, ए इंक्रीज। डिस्क्रीज इंडेंट से होता क्या है दोस्तों, इसमें आगे डिस्क्रीज के लिए निशान बना दिख रहा है एक नीला कलर का, इसमें पीछे के लिए, इससे मैटर का जो है ना तो वो पीछे खिसक जाता है, इसका मतलब एक गैपिंग हो जाती है। इससे आप आगे किस कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा और ही बेस्ट है जैसे हम इस पर जाएँ। इसका प्रयोग होता है, सीरियल नंबर हमने लिख दिया है। अभी इसमें एंगल, अभी ऐसे में लिखना है, ऐसे में लिखना है, हमें चालू ऐसे में लिखना है। देखो इस तरह से लिख गया ना दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इस तरह से लिखना है। जहाँ कितना करना है वहीं पर क्लिक करके उसी फिर से क्लिक कर देना है। इसी तरह से रेफ टेक्स्ट, रेफ टेक्स्ट का प्रयोग होता है दोस्तों, जैसे हम कोई भी शब्द लिखते हैं, जैसे हमने स्टूडेंट नेम लिख दिया है, स्टूडेंट नेम लिख दिया था, ये पूरा नहीं बन रहा है, पूरा नहीं बन रहा है ना, वो आपको लगता है कि हमें ऊपर नीचे तो आ ही जाए कम से कम, तो आप रेफ टेक्स्ट पर जाके आते हैं तो देख रहे होंगे कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिखाई देता है। इस पर जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा, पूरा नहीं लिखा है, अब इस पर क्लिक करते हैं तो पूरा आ जाता है। इसी तरह से हमने इस पर क्लिक किया, देखो अपना नाम भी आ गया। इसे बोलते हैं रैप, पूरा मैटर अगर नहीं बनता है तो ऊपर नीचे एडजस्ट होकर पूरा आ जाता है।
इसके बाद है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है दोस्तों? मर्ज एंड सेंटर, मर्ज का मतलब होता है ऐसे हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, ब्राइट फ्यूचर है, हमें यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सेल बनाना है, यानी कि बीच की लाइन हमें हटाना है और बीच बीच करना है, तो मर्ज एंड सेंटर क्लिक कर देना है। देखो तो यहाँ बीच के जो कॉलम्स हैं वो हट गए हैं और अपना मैटर भी बीचों बीच आ गया है। इसको अपनी तरह से आप इसको मैनेज कर देंगे, बड़ा अच्छा तरीके से बन गया है। आप इसको प्रीव्यू पे देख भी सकते हैं, देखो कितना अच्छा टेबल बन गया है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर इसको आपको हटाना है तो आप नीचे हटा सकते हैं, इसको लेफ्ट राइट जो भी करना है वो कर सकते हैं।